हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बिस्किट से बचे बिस्किट से केक बनाना बताऊंगी और इसको बिना ओवन के, बिना एग के और बिना मैदा के जो बना सकते हैं और ये बहुत ही स्पंजी बनता है। तो मैं ये अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। अगर आपको भी कोई रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट तोड़ करके उसको रख लेंगे, उसके बाद इसको मिक्सर जार में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एकदम पतला पाउडर। जब ग्राइंड हो जाएगा तो उसको हम एक जो है बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें दूध मिला करके इसको अच्छे से जो है हम इसका थिक बैटर जो है तैयार करेंगे। इसको हम तब तक शेक करेंगे जब तक कि हमारा थिक बैटर जो है तैयार नहीं हो जाता। इसको 10 मिनट तक अच्छे से करना है। हम जो है एक कटोरे में रिफाइंड तेल लेंगे और उसमें ये बेकिंग सोडा मिला करके अच्छे से मिला करके इसको भी हम जो है अपने बैटर में डाल देंगे और इन सबको मिलाकर अच्छे से हम इसको जो है शेक करेंगे जब तक हमारा थिक बैटर तैयार ना हो जाए। देखिए गाइस, हमारा कितना अच्छा थिक बैटर तैयार हो चुका है और हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए इसके लिए। अब हम इसके बाद जो है चॉकलेट्स को मेल्ट कर लेंगे। तो फिर हम चॉकलेट्स को छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और मैंने गरम तवे के ऊपर रख करके इसको जो है मैं मेल्ट करूंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हमें केक के जो बर्तन है उसमें अच्छे से रिफाइंड तेल लगा देना है और इसके साथ थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, क्योंकि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी जो है इसे चिपकेगा नहीं मैदा लगा देने से। तो इसका हम हर एक हिस्से में अच्छे से मैदा को जो है फैला देंगे और इसके साथ हम अपना जो है बैटर इसमें डाल देंगे। मैंने हाफ बैटर डाला है। उसके बाद जो है हम बर्तन में नमक डाल के इसके ऊपर जो है मैंने ये स्टैंड के लिए इडली मेकर यूज़ किया है। उसके बाद इसको जो है बैटर को डाल करके 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमें जो ये चॉकलेट मेल्ट्स के तो उसको फैला करके उसके ऊपर जो है हम बाकी बचा हुआ बैटर डाल देंगे। बस अच्छे से सेट कर देंगे और 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि पका कि नहीं। तो देखिए चारों साइड देखने पर ये जो है बिल्कुल नहीं निकल रहा है, यानी कि पक के हमारा तैयार हो चुका है। इसको 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसको चाकू की सहायता से जो है हम अलग कर लेंगे। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। ये जितना देखने में टेस्टी है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो प्लीज़ गाइस, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है बिना मैदा के बहुत ही अच्छा केक बनता है और भी बहुत जल्दी बन जाता है। और देखिए गाइस, ये इतना टेस्टी भी और उसके साथ साथ देखिए कितना स्पॉन्जी हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ गाइस, मुझे बताइएगा आपको मेरा केक कैसा लगा है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।